बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी हैं, एक पर्सन हैं जिनके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ और आपको भी उनके बारे में जानना चाहिए। ये शख्स ऐसे हैं जो बर्ड्स की भाषा को समझते हैं। देखिए, ये डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्ड्स की भी भाषा को समझते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, और बहुत फेमस हैं। तो सलीम अली जी को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आपको जानना चाहिए। डॉक्टर सलीम वाज ए वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके रहन सहन के बारे में सीखते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं सुनकर, उनका स्टडी करते हैं। ही हैज डन ए लॉट फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ। इन्होंने जानवरों की जिंदगी को बचाने के लिए, बर्ड्स को बचाने के लिए सोसाइटी में बहुत काम किया है, लोगों को जागरूक किया कि बर्ड्स को नुकसान न पहुंचाएं। कुदरत की एक अनमोल देन है बर्ड्स, कुदरत यानी भगवान की एक अनमोल देन है बर्ड्स। इन बर्ड्स की चहचहाट ही हमारे चारों तरफ गूंजती है, जिससे हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें रिलैक्स फील होता है। तो इन्होंने बर्ड्स के और अदर वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए बहुत काम किया। ये इतने फेमस हैं कि इनके नाम पर देखिए भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर रखा है। अब तो हम लोग डाक और पोस्ट का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही हम अपना मैसेज कहीं भी भेज देते हैं। लेकिन पहले क्या था कि चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, लेटर लिखे जाते थे, और वो लेटर एक दो दिन चार दिन में आप जहाँ भेजते थे वहाँ पहुँचता था। तो उन लेटर्स को जाने और आने के लिए टिकट की ज़रूरत होती थी, तो इसको डाक डाक टिकट कहते हैं। सलीम अली जी इतने फेमस पर्सन हैं कि उनके नाम पर देखिए डाक टिकट भी इशू किया गया। अभी मैंने बताया ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऐसे पर्सन जो कि बर्ड्स के रहन सहन, उनके खान पान, उनके बोलने उड़ने सभी तरीकों पर नज़र रखते हैं, उनका स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये एक डिपार्टमेंट है स्टडी का, जिसमें बर्ड्स के बारे में ही स्टडी केवल की जाती है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, कभी कभी जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पर्सन जो कि बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कई फेमस बुक्स भी लिखे। ही हैज रिटन मैनी बुक्स ऑन बर्ड्स। बर्ड्स के रहन सहन, उनके हाव भाव और उनकी भाषाओं के बारे में उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिख रखी हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने बुक के इमेजेस लिए हैं, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स बाई सलीम अली, देख रहे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये बुक सलीम अली साहब ने लिखा है। एक बुक और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, वीणा गावड़कर, गावड़कर डॉक्टर सलीम अली की, ये भी एक बुक है, ये भी बुक इन्होंने लिखी। देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा ये इमेज ही जैसे बना दिया गया है बर्ड का सलीम अली जी को। क्यों बनाया गया? क्योंकि सलीम अली जी बर्ड्स के जीवन को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव थे और वो उनके स्टडी किया करते थे, उनके बारे में बहुत सीखे जाने समझे। इन्हीं के इतना काम करने की वजह से ही, इतना फेमस होने की वजह से ही डॉक्टर सलीम अली जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। आपको पता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला, ये सबको नहीं मिलता है, बहुत ही ऐसे लोगों को ही मिलता है जो कि अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए। तो इनको देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और इनका एक जगह आया भी था कि इनका बर्थ 1896 में हुआ था और इनकी डेथ 1947
1987 में ही हो चुकी है। आप 2020 में चल रहे हैं और इनकी डेथ 1987 में ही हो गई थी। उसी समय तक उन्होंने अपना, अब जो बुक्स इन्होंने लिख रखा है उन बुक्स का आइडिया लेकर दूसरे आर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स की सेवा में लगे हैं, बर्ड्स को बचाने में लगे हैं, और लोग भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नई जानकारी पसंद आई होगी बच्चों। तो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।